अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिदर आप भी खैरियत से। आपका वेलकम करती हूँ एक मज़ेदार किस्म के न्यू व्लॉग में। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और यहाँ बन रहे मज़ेदार से पराठे, दाल के पराठे। मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह दाल के पराठे बनाती हूँ। ये हस्बैंड के लिए बन रहे थे, मेरे लिए नहीं बन रहे थे। मेरी क्योंकि मेरी तो अभी दांत में इतना दर्द है कि मैं कोई नरम पराठा खा सकती हूँ। ये थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ मज़ेदार से दाल के पराठे हमारे रेडी हैं। देखिए कितना अच्छा पेड़ा हो गया। स्पेशली अगर फ्रिज का आटा रखा हो ना तो उससे हमेशा भरे हुए पराठे, जो भी स्टफिंग वाले पराठे हैं, वो अच्छे बनते हैं। ये एक टिप है आप लोगों के लिए भी, ताज़े आटे से कभी भी भरे हुए पराठे मत बनाइएगा, फट जाते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो ये सीन है, ठीक है, सारा ही फट जाता है यहाँ। तो यहाँ खैर थोड़ा सा पराठा मेरा फट गया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं फटा था, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। बहन हूँ मैं तो आपकी, कोई बात नहीं, इग्नोर कर लीजिएगा। तो जी, यहाँ मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया है, मज़ेदार सा, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने करेंगे अपने नाश्ते की तैयारी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हस्बैंड लेके आए थे मेस में ये वाइटल का ये वाला मतलब चाय की पत्ती लाए थे, ठीक है जी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी पैकेजिंग में, बहुत प्यारी। और जी, इसके अंदर जो है जिप लॉक बैग भी है, ठीक है जी। इसके अंदर चाय की पत्ती है। मैंने आपसे वो वाला व्लॉग शेयर नहीं किया जिसमें मैंने सारा मतलब ग्रोसरी सेटिंग की थी, क्योंकि उन दिनों मेरे दांत में ज़्यादा तक दर्द था, तो मैंने जल्दी जल्दी बस वो सेटिंग कर दी, रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है जी। तो उसमें ये खैरियत आई थी चाय की पत्ती, ठीक है जी। उसके बाद जी चाय बन गई थी, हो गई थी रेडी। और उसके बाद मैंने तैयारी की अपने नाश्ते की, और यहाँ मैं ब्रेड को लगा रही हूँ जैम। तो जी, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए इंसान को, चेंज करके, क्योंकि एक ही चीज़ फिर हो तो फिर इंसान बोर हो जाता है। आप लोग भी इस तरह बोर हो ही जाते होंगे। खैर, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज देखते हैं तो कि यहाँ लाइक हालत सब्सक्राइब चेक करें। ये करना। चूल्हा दस्ती बनाया हस्बैंड ने रात में, बस कल कुछ ऐसा ही दिन था कि ना गैस चली जाती थी और हम चाय बनाने लगते थे तो गैस चली जाती थी। खैर, चाय हस्बैंड ने इस पे बना के दी। हस्बैंड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लविंग केयरिंग हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब इसको समेटते हैं और उसके बाद जी झाड़ू देते हैं। और मोहम्मद यहाँ फीडर पी रहे हैं, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पर, अभी अभी गए हैं। मोहम्मद यान सीधे के लेटे, मेरी जान सीधे के, मेरी जान फीडी पी रहे हैं मोहम्मद यान। बस अब जल्दी जल्दी झाड़ू देते हैं। और जी, मौसम के हालात कुछ इस तरह हैं, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। कपड़े वगैरह लटकाए हैं मैंने धूप लगाने के लिए, देखें बारिश का बताया हुआ है, देखें आज बारिश आती है कि नहीं आती। खैर, ये देखें, मैं रोज़ ही इन्हें ब्लैंकेट्स वगैरह को धूप लगवा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में सेम सेम हुई हुई है। बहुत मतलब बारिशों की वजह से हालात टाइट हुए हैं, हर जगह ही नमी नमी हुई हुई है जी। मैंने स्टोरेज करने के लिए ना जो मैस आता है महीने का, तो जी उसमें दालें वगैरह, चावल वगैरह जो सामान होता है उसके लिए मैं ये कंटेनर यूज़ करती हूँ। ज़ीरो बजट में यकीन करें कंटेनर होते हैं, कोई आपके पैसे नहीं लगते, और आराम से ये आप धोएं, धूप में सुखाएं, उसके बाद में स्टोरेज करें। तो जी, अब मैंने बॉटल्स वगैरह धो के धूप में सुखाई हुई हैं और उसके बाद इसके अंदर स्टोरेज करूँगी। खैर, मैंने काफ़ी सारा मैस तो भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया तो बस वो करूँगी, ठीक है जी। यहाँ जी पराठा तैयार हो रहा है और ये दोपहर का टाइम है और मोहम्मद यहाँ सो गए हैं। मुझे शदीद वाली भूख लग रही थी यार, हर वक्त ना ब्रेड वगैरह से ना पेट नहीं भरता, यकीन करें। अभी तक मेरे दांत वाला ज़ख्म ठीक नहीं हुआ और बाहर हवा चल रही है, बॉटल्स गिर रही हैं जो मैंने सुखाई हुई हैं धूप के अंदर। तो खैर, बस अपने लिए पराठा बना रही हूँ, अंडा फ्राई करूँगी, फिर हयान के लिए पैनकेक्स बनाऊँगी। आप ज़रूर रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी आज शेयर करूँगी पैनकेक्स की। ओके जी, अच्छा जी, यहाँ मैं आपके साथ पैनकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ लेफ़्ट ओवर राइस के साथ, ठीक है। ये बिरयानी है, बिरयानी के राइस मैंने साइड पे कर ली हैं और जो बोटियाँ हैं उनको मैं मतलब श्रेड कर दूँगी, ठीक है जी। आपने बिल्कुल बारीक बारीक श्रेड कर देना है और इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा यमी पैनकेक्स बनते हैं, हयान ने खूब इंजॉय करके खाए थे, आपके बेबी भी जो होंगे वो भी इंजॉय करके खाएँगे, और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें चिकन भी है। और आगे हमें और जी आगे मैं एग भी ऐड कर रही हूँ, ये देखें, एग भी बहुत ज़्यादा हेल्दी आपके बेबी के लिए और सबके बच्चों के लिए, तो लिहाजा आप लोगों ने लाजमी ये पैनकेक्स बना कर देने हैं अगर आपके घर ऐसे चावल वगैरह राइस वगैरह पड़े हैं तो, ठीक है जी। आपने सिंपल राइस में अगर बनाना है बॉयल हुए राइस में तो उसमें मिसाले ऐड करने हैं, इसमें हमने कोई मिसाले ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी बिरयानी का अपना टेस्ट इसके अंदर है, जायके हैं, फ्लेवर है, ठीक है जी। बच्चे वो खूब इंजॉय करके खाएंगे। देखें, मिक्सचर हो गया रेडी, बहुत यमी किस्म का। इसके बना लेंगे हम छोटे छोटे पैनकेक्स, इतने मिक्सचर के
के अंदर 4 पैनकेक्स इजीली आपके बन जाएंगे। ठीक है जी, आपने पैन रख देना है चूल्हे पर, उसके बाद लाइट फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस करना, लाइट फ्लेम पे आपने पैनकेक्स बनाने हैं, इसे मतलब हल्के हल्के फ्लेम पे बने तो ये आराम से कुक हो जाएंगे। ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा यमी है, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। मजे वाले पैनकेक्स हैं यार। मोहम्मद यान लुक एट यू बेबी, मजे वाले पैनकेक्स हैं, यमी। मम पीने पी ले मेरी जान, आराम से उठाइएगा, वेरी गुड। और हयान साहब की यहाँ कारिस्तान चेक करें, दोबारा हयान को ड्रेस चेंज करवाया और भाईजान अब खेल रहे हैं, गीला कर चुके हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मौसम बहुत प्यारा है। और ये देखें ज़रा, लेकिन ये है कि बारिश हल्की हल्की आई थी फिर वो बस रुक गई, और ये सारी चरपाई हयान ने गीली कर दी है। ये देखें माशाल्लाह से खेलने में अकेले लगे हैं भाई नो। और ये देखें, ये हस्बैंड ने ना यहाँ से सारा ठीक कर दिया, मतलब ये प्लास्टर वगैरह जो है वो कर दिया है, ठीक है, मतलब फर्श ठीक कर दिया है, ये पहले यहाँ से पींटे लगी हुई थी। खैर अब बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें। अच्छा जी, अब टाइम हुआ है जी कंटेनर्स को फिल करने का, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि मैं अपना जो ग्रॉसरी है वो कैसे सेव करती हूँ, ठीक है, स्टोरेज कैसे करती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, मेरा व्लॉग आज का यहीं तक है, उम्मीद है जी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ेदार किस्म की न्यू वीडियो के साथ, और इंस्टाग्राम पर भी लाजमी मुझे फॉलो कीजिएगा, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है जी, लाजमी फॉलो कीजिएगा। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।